जब यहाँ इलेक्शन होंगे तो तभी उस पर बात करेंगे, अभी तो यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं ना, जब होंगे तब बात करेंगे। मैडम कश्मीर देखी नहीं वो फिल्म, मैं कैसे बताऊँ। देखिए जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने हालात बनाए हुए हैं, जिस तरह रोजाना पकड़ दकड़ होती है, नौजवानों को अलग अलग नामों पे उठाया जाता है, किसी को हाइब्रिड मिलिटेंट कहा जाता है, किसी को एसोसिएट मिलिटेंट कहा जाता है, किसी को व्हाइट कॉलर मिलिटेंट कहा जाता है, किसी को OGW, और उसके बाद उनको पकड़ के पता नहीं कहाँ ले जाते हैं, कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो जब PDP इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाती, जैसे ग्रेनेड हो गया, दो लोगों को पकड़ के ले गए, उनकी फैमिली आ गई, वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कोई बात ही नहीं सुनता है। तो किसी को, किसी अखबार वाले को, जैसे अभी इसका फहद का, उससे पहले सजाद का, उसके बाद इसको गौहर गिलानी को ढूंढ रहे हैं, तो किसी को सच बोलने की इजाजत ही नहीं है यहाँ पर। तो PDP एक जमात है जो यहाँ इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है, और ये बात कहीं ना कहीं BJP को सूट नहीं करती। वो दुनिया को बताना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, जबकि जम्मू कश्मीर को खुदा ना खास्ता उन्होंने कब्रिस्तान बनाया हुआ है, जहाँ खामोशी जरूर है मगर लोगों को जिंदा उन्होंने दफन कर रखा है। इसके खिलाफ तुम आवाज उठाते हैं। कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट आया, कांग्रेस की तरफ से जो बताई गई एक पर्टिकुलर कमिटी, मैम कांग्रेस की तरफ फिल्म देखी नहीं, मैम कांग्रेस की तरफ